हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय अनुज। आज हम आपके लिए प्रीपोजिशन का टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं प्रीपोजिशंस की क्या डेफिनेशन होती है, कैसे इसको यूज करते हैं, इनके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द प्रीपोजिशंस। ओके, तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें फिर हम लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो आप इसको सभी जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होती है? व्हाट इज प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है जो वर्ड, एंड टू शो इट्स रिलेशन विद अनादर नाउन और प्रोनाउन। किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ जो है उस वर्ड का रिलेशन शो करता है। ये क्लियर हो गया? एक बार फिर सुन लीजिए, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। क्लियर? टू शो इट्स रिलेशन विद अनादर नाउन और प्रोनाउन। तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये हो गया कि किसी भी वर्ड से पहले, या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, उससे पहले वो यूज किया जाता है, किसी दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन शो करता है। क्लियर? तो सिंपल डेफिनेशन यही है इसकी कि प्रीपोजिशन किसी नाउन प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है, उसका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से शो करने के लिए। क्लियर हो गया ना डेफिनेशन? तो चलिए देखते हैं इसका जो नेम होता है प्रीपोजिशन। अब ये इसको आप जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हो जाएगा आपका प्री, एंड द सेकेंड वन विल बी द पोजिशन। तो प्री का मीन्स क्या होता है? प्री मीन्स होता है पहले, जो पहले यूज होता है। पोजिशन होती है स्थिति, मीन्स जो प्रीपोजिशन होगी वो पहले यूज होगा, मीन्स किसी वर्ड से पहले यूज होता है। तो प्री का मीन्स यहां पे मैं राइट कर देता हूं, प्री मीन्स होता है पहले। ठीक है, पोजिशन क्या हो जाएगी? स्थिति, यानी कि पहले की स्थिति, पहले की स्थिति, पहले यानी कि जो पहले यूज होता हूं किसी वर्ड से, नाउन प्रोनाउन से जो पहले यूज होता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, आई एम इन द रूम। तो इस सेंटेंस में आई एक प्रोनाउन होता है, रूम क्या है? एक नाउन है। ठीक है, तो द रूम से पहले यूज हुआ है प्रीपोजिशन इन। तो ये प्रीपोजिशन आई का रिलेशन रूम से शो कर रही है। ठीक है, कि आई मीन्स मैं, कहां पे हूं मैं? रूम में हूं। तो अगर ये इन नहीं होगा तो हमें रिलेशन नहीं पता चलेगा कि आई कहां पे है, वो रूम में है या नहीं है। क्लियर? तो इसलिए आई जो है वो रूम का रिलेशन शो कर रहा है, इन इन आई का रिलेशन रूम से शो कर रहा है। अगर इन नहीं होगा तो हम इसका रिलेशन शो नहीं कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन का मीनिंग यही होता है कि वो किसी वर्ड से, किसी नाउन, जैसे रूम नाउन है तो नाउन से पहले यूज हुआ इन। इस रूम का यानी कि इस नाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से यानी कि आई से शो कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया कि किसी नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है उस नाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? प्रीपोजिशन थ्री टाइप्स की होती है। जैसे इसमें फर्स्ट होता है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में एक सिंगल सिलेबल वाले ही वर्ड आते हैं, सिंगल सिलेबल वाले। ठीक है, जैसे इन, टू, ऑन, ठीक है ना, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इन टू ऑन विद हो जाएगा। तो ये सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स हैं सभी। प्रीपोजिशन जो आपकी सिंपल प्रीपोजिशन होती है उसमें सिंगल सिलेबल वाले ही वर्ड्स आते हैं। जैसे इसका कोई एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, आई वेंट टू द मार्केट। आई वेंट टू द मार्केट यानी कि मैं मार्केट गया। तो देखिएगा ये टू प्रीपोजिशन जो है वो सिंगल सिलेबल वाली है, बस टू, एक ही सिलेबल है, एक ही पार्ट। सिलेबल कहते हैं हम पार्ट को, भाग को। जैसे वर्ड में दो से ज्यादा भी, दो या तीन या चार भी सिलेबल हो सकते हैं एक वर्ड में। ठीक है, तो ये सिंगल सिलेबल वाला है यानी कि जिसपे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सिंगल सिलेबल वही होगा जिसमें, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते जिस वर्ड को। ठीक है, अब जैसे आप देख लीजिए हमारे पास ये वर्ड है ऑन टू, ये एक वर्ड है। तो सिलेबल
सिंगल वाला सिलेबल वाला वर्ड कैसा होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे टू को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ऑन टू को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑन हो जाएगा और एक टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये डबल सिलेबल वाला वर्ड हो गया ऑन टू, समझ में आ गई बात। तो सिंपल प्रीपोजिशन में केवल जो है आपका सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे इन, ऑन, टू, विद, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, क्लियर हो गया। नंबर टू होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब होता है कंपाउंड वर्ड वो वर्ड होता है जो दो या दो से ज्यादा जो है वर्ड को एक साथ जोड़कर बनाया गया हो, जो वर्ड दो छोटे वर्ड से मिलकर बना हो उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन होती है फॉर्म्ड बाय मॉडिफाइंग अनदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे वर्ड्स को मॉडिफाई करके बनाया गया जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे आप जैसे बिफोर है, बीई एफ ओर ई, तो इसमें एक बी वर्ड है एक फोर है। इसी तरह से आपका और बहुत सारे वर्ड्स होंगे, जैसे बिटवीन होता है आपका, ठीक है, बिटवीन हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा, इनटू, विद इन होता है विद इन, ठीक है, या फिर ऑन टू होता है जो मैंने आपको यहां पे भी दिख के दिखाया था ऑन टू। तो ये वर्ड्स होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, इन्हें कहते हैं हम कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बने हैं, जैसे इन और टू, ठीक है, इस तरह से विद इन भी है, विद और इन से मिलकर बना। लास्ट आता है आपका फ्रेज प्रीपोजिशन जो होती है फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज टू कन्वे सिंगल आइडिया, यानी कि उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन में तो दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना, ठीक है, लेकिन फ्रेज प्रीपोजिशन में कई सारे वर्ड्स होते हैं, वो ही पूरा एक प्रीपोजिशन होती है, फ्रेज प्रीपोजिशन होती है। तो फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज टू कन्वे सिंगल आइडिया, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स केवल एक ही आइडिया, उनका जो मीनिंग है वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है वर्ड्स का, ठीक है, तो उसे कहते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन में मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होती है, एक मेन वर्ब आएगी और एक प्रीपोजिशन। जैसे ये देख लीजिएगा, लुक है, आप सभी जानते हैं लुक मीन्स होता है देखना, और इसके साथ आप प्रीपोजिशन एड कर देते हैं फोर, तो लुक फोर का मीन्स हो जाता है ढूंढना या सर्च करना, ठीक है, ढूंढना, या फिर से आप इंग्लिश में सर्च करना भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है अब यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का यूज कैसे किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है, किस प्रीपोजिशन का हम किस जगह यूज करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है एट, प्रीपोजिशन एट। एट का यूज कहां पे किया जाता है, तो इसमें हम हर एक प्रीपोजिशन को पूरी डिटेल से जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, एट के यूज कहां कहां पे होते हैं, जिस जगह एट का यूज किया जाता है वो सब आपको बताया जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं एट का यूज होता है छोटे स्थानों के नेम से पहले, जैसे किसी विलेज का नेम दे रखा है, या कोई छोटा शहर है, या किसी सिटी के अंदर कोई जगह है, ठीक है ना, तो वो जो छोटे जगह है या छोटे शहर हो उनके नेम से पहले हम एट का ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने, माय ब्रदर लिव्स एट हसनपुर, तो एक विलेज का नेम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि जब हम टाइम बताते हैं, जैसे आप कितने बजे उठते हैं, मैं 5 बजे उठ जाता हूं, तो आई गेट अप एट 5 o'clock, तो जो हम टाइम बताते हैं उस टाइम को बताने के लिए हम उस टाइम से पहले हम एट यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ही गॉट अप 5 o'clock दिस मॉर्निंग, आज सुबह वो 5 बजे उठ गया, तो टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम 5 बजे 5 o'clock, तो 5 बजे से पहले एट प्रीपोजिशन, क्योंकि टाइम को एक्सप्रेस जब करते हैं उससे पहले एट यूज होता है। नेक्स्ट आता है प्राइस रेट स्पीड की यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम प्राइस की यूनिट है या फिर आपका स्पीड है रेट है इन सब चीजों को की यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स से पहले भी हम एट का ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क सेल्स एट 50 rupees पर लीटर, ठीक है, तो यानी कि 50 rupees पर लीटर, लीटर जो है मिल्क की यूनिट होती है, तो उससे पहले हमने प्रीपोजिशन यूज किया यहाँ पे एट। इस तरह से और भी एग्जांपल है इसकी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ही गोट दैट बुक एट 50 rupees, यानी कि 50 rupees की उसने वो बुक खरीदी, यानी कि प्राइस बताया जा रहा है यहाँ पे, तो प्राइस से पहले भी हम क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं, क्लियर हो जाएगा, याद रहेगा। उसके आगे
टेम्परेरी एक्शंस, टेम्परेरी एक्शंस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड से पहले, टेम्परेरी एक्शंस कैसे होते हैं, यानी कि द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन नाउ बट आफ्टर सम टाइम दैट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, कुछ देर के बाद बंद होने वाला है वो एक्शन, टेम्परेरी है। टेम्परेरी कह देते ना कि टेम्परेरी है, टेम्परेरी का मतलब यानी कि टिकाऊ नहीं है, ये कुछ समय के लिए ही है, बस अल्पकालीन है। जैसे अभी कोई एक्शन चला हुआ है बट कुछ देर के बाद वो एक्शन बंद हो जाएगा, एंड सच काइंड ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड टेम्परेरी एक्शंस। इस तरह के एक्शंस को हम टेम्परेरी एक्शंस कहते हैं जो अभी चल रहा है। जैसे ही इज एट प्ले नाउ, वो अभी खेल में है, वो खेल रहा है, ठीक है, तो लेकिन वो खेलने का एक्शन कुछ देर बाद बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के एक्शन से पहले भी हम एट यूज करते हैं। देखिए जैसे ही इज एट वर्क, वो अभी काम पे है, तो काम पे क्या हमेशा काम पे रहेगा, परमानेंट तो नहीं रहेगा ना, काम पे कुछ देर काम करेगा उसके बाद वो एक्शन बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे वर्क से पहले, ऐसे टेम्परेरी एक्शन से पहले भी हम एट ही यूज करते हैं, ही इज एट वर्क। क्लियर। लास्ट आता है आपका एज या फिर स्टेज को एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं। जैसे मेरे ग्रैंडफादर 60 इयर्स की एज में मर गए थे, तो क्या हो जाएगा, माय ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60। तो यहां पे एज को एक्सप्रेस किया जा रहा है या फिर स्टेज को एक्सप्रेस किया जा रहा है जो वर्ड्स, उन वर्ड से पहले भी हम प्रीपोजिशन एट ही यूज करते हैं। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो नंबर टू आता है आपका इन। इनका यूज कहां पे करते हैं, एक तो जैसे कि मैंने एट में बताया था कि एट छोटे स्थानों के लिए और इन बड़े स्थानों के लिए। तो बड़े स्थानों के नेम होते हैं, जैसे किसी कंट्री का नेम है, कॉन्टिनेंट का नेम है, स्टेट का नेम है, या फिर बिग सिटी का नेम है, तो किसी भी जो बड़े स्थान होते हैं इस तरह के, उनके नेम से पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। क्लियर। जैसे एग्जांपल है आपका वी लिव इन इंडिया, तो कंट्री का नेम है यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया से पहले क्या आएगा, इन ही आएगा। क्लियर, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है परमानेंट एक्शंस होते हैं, जैसे उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इन यूज करते हैं। जैसे किसी जॉब में होते हैं, जैसे माय ब्रदर इज इन द आर्मी, तो जॉब में है, एक परमानेंट जॉब होती है ये, ठीक है ना, तो इसके नाम से पहले भी, जॉब से पहले भी हम इन यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम इनटू का यूज देखेंगे। इनटू, हाँ, इन और इनटू, इन हो गया, ठीक है, तो इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले इनटू देख लेते हैं एक बार। इनटू का यूज कहां पे करेंगे, एक तो जब किसी जगह के अंदर मोशन में होती है कोई भी चीज, किसी जैसे किसी स्ट्रक्चर के अंदर है, किसी रूम के अंदर है, किसी जगह के अंदर है और वो मोशन में है, मींस मोशन कर रही, मूवमेंट कर रही है, तो ऐसी कंडीशंस में हम इनटू प्रीपोजिशन यूज करेंगे वहां पे। क्लियर। जैसे आई केम इनटू द रूम, मैं रूम में आया, तो जब मैं आया मैं मोशन में था, मैं चल रहा था, मैं खड़ा होके थोड़ी आया, मैं चल के आया, तो मोशन में, जब हम मोशन के साथ किसी चीज के अंदर आते हैं तब हम प्रीपोजिशन इनटू ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा आता है इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मीन्स फ्रॉम वी आर गोइंग टू वन मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर, जब एक माध्यम से हम दूसरे माध्यम में जा रहे हैं। जैसे मिल्क जो होता है, मिल्क वो कर्ड में बदल जाता है, मीन्स मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क दही बन जाता है, दूध से क्या बन जाती है, दही बन जाती है, मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो गया, तो इनटू प्रीपोजिशन यूज किया। इसी तरह से ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, कोई आपको पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, उस पैराग्राफ को कहा गया है कि भाई आप इसको इंग्लिश में बदल दीजिए, अब ये हिंदी में है, यानी कि अब मीडियम क्या है, हिंदी है, और उसको आपको बदलने के लिए कहा गया है इंग्लिश, तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आप चेंज करते हैं या जाते हैं तब हम इनटू प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया। तो ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का यूज कहां पे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और एक तो जब भी किसी चीज के ऊपर की स्थिति हमें शो करनी है, कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे टेबल पे बुक रखी है, तो बुक जो है वो मोशन लेस है, यानी कि वो जो वस्तु रखी है ऊपर वो स्थिर होनी चाहिए, मोशन लेस होनी चाहिए। अगर वो मोशन लेस है तब हम उसके लिए ऑन का यूज करते हैं, लेकिन अगर वो मोशन में होती है तब हम उस पर ऑन टू यूज करेंगे, ऑन यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है, ऊपर के अर्थ में स्थिर अवस्था को दर्शाने के लिए। जैसे आपका एग्जांपल है, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स के ऊपर, टेबल के ऊपर दो बुक्स रखी हुई है। अब बुक्स है तो स्थिर ही होगी, मोशनलेस होगी,
वो अपने आप तो चल के नहीं जाएगी कहीं भी, तो इसलिए वो मोशनलेस है। मोशनलेस के लिए क्या होता है, ऑन यूज किया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको ऑन टू भी बता रहा हूं, ऑन टू जब कोई चीज मोशन में होती है, किसी चीज के ऊपर है मोशन में है, तब ऑन टू यूज करते हैं। क्लियर। आगे है इसका सब्जेक्ट और रिलेशन के अर्थ में, सॉरी इससे पहले एक और है, को या पर, ठीक है, को या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले भी हम ऑन ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है ऑन मंडे, ठीक है ना, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को जाऊंगा मैं, को, तो यहां पे को के अर्थ में आ गया है ये ऑन, ठीक है, को के अर्थ में हो या पर के अर्थ में, जब टाइम बता रहे हैं हम कि मैं मंडे को ये काम करूंगा या ट्यूसडे को करूंगा या फिर मैं वेडनेसडे में करूंगा, तो जब को के अर्थ में होते हैं पर के अर्थ में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑन यूज करते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सब्जेक्ट और रिलेशन के अर्थ में, जैसे हम सब्जेक्ट बता रहे हैं, जैसे ये बुक इंग्लिश ग्रामर की है या ये बुक हिंदी की है, ठीक है, इस बुक में हिंदी के ऊपर बनी हुई है ये बुक हिस्ट्री के ऊपर है, ठीक है ना, तो दिस बुक इज ऑन हिस्ट्री, दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, दिस बुक इज ऑन हिंदी, तो ये ऑन जो है उस सब्जेक्ट से पहले ऐसी कंडीशन में यूज करना है आपको, ठीक है, जैसे दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो ये बुक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। क्लियर हो गया। आगे आता है आपका बिटवीन देखेंगे, अमंग देखेंगे और अमंगस्ट देखेंगे, तीन यूज देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है तीनों ही। देखिए तीनों का यूज कब करते हैं, जब हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर दो पर्सन है हमारे पास या दो थिंग्स हैं उनके बीच में ही कोई चीजें हमें बातें करनी है या फिर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनको कुछ देना है, बताना है, कुछ भी है, अगर दो की बातें करते हैं तो बिटवीन यूज करना होता है। जैसे मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, और आप मुझे कहेंगे कि भाई आप ये एप्पल राम और श्याम के बीच में डिवाइड कर दीजिए, तो राम और श्याम कितने पर्सन है, टू, तो ऐसी कंडीशन में टू के लिए केवल बिटवीन ही यूज करना है हमें, तो डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन राम एंड श्याम, दो है तो बिटवीन यूज कर लिया आपने, बट इफ दे आर मोर देन टू, अगर दो से ज्यादा हैं तब वी कांट यूज बिटवीन, तब हम बिटवीन यूज नहीं कर सकते हैं, फिर हमें क्या यूज करना है, अमंग, मोर देन टू के लिए हमें अमंग यूज करना है, मीन्स मोर देन टू पर्सन या फिर थिंग्स है, दो से ज्यादा पर्सन है या दो से ज्यादा थिंग्स है, तो उस कंडीशन में हम अमंग यूज करते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे तो अमंगस्ट कहां पे यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशन होती है, एक तो हमने बता दी कि दो अगर है तो दो के बीच के लिए तो हम यूज करेंगे बिटवीन, लेकिन दो से ज्यादा चाहे वो कितने भी हो, दस हो, बीस हो, हजार हो, ठीक है, या एक लाख हो, सभी केसेस में मैंने बता दिया है कि अमंग यूज करेंगे अगर वे दो से ज्यादा है, तो फिर अमंगस्ट यूज कहां पे करते हैं स्टूडेंट्स, सोचिए इस बारे में, अमंगस्ट का यूज आप कहां करेंगे, आपने बहुत ही रेयर चांसेस देखे होंगे अमंगस्ट यूज होते हुए, तो अमंगस्ट ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जब उस जिसके बाद, सॉरी जिस वर्ड से पहले हमें इसका यूज करना है प्रीपोजिशन का, अगर वो वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल लेटर से, ठीक है ना, जैसे डिवाइड दीज मैंगोज अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स, तो आवर फ्रेंड देखिएगा वोवल है ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जिस वर्ड से पहले प्रीपोजिशन यूज करनी है अगर उस वर्ड की स्टार्टिंग वोवल से हो रही हो, ठीक है, तो तब हम अमंगस्ट का यूज करते हैं, आपको ये याद रखना होगा, और अगर उस वर्ड का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है तो अमंग यूज करेंगे, वोवल लेटर से हो रही है तो अमंगस्ट यूज करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा, आपको हमेशा अमंगस्ट यूज कब होता है, जब वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड तो उसके पहले अमंगस्ट आता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो अमंग आता है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। क्लियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, नंबर आता है आपका नंबर 8 है बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये दो प्रीपोजिशन होती है, एक बिसाइड है एक बिसाइड्स है, दोनों में आपको देखने में बहुत ही कम डिफरेंस लग रहा है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस केवल दोनों में बस एस का ही है, इसमें एस नहीं है, इसमें एस है, बट बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स, मीनिंग्स दोनों के अलग अलग है, बिल्कुल दोनों का अलग यूज होता है, बिसाइड मीन्स होता है पास नियर, और बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है, तो दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के मीनिंग में,
ठीक है। बिसाइड मीन्स पास होता है, नियर होता है, और बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू। तो देखिए बिसाइड मीन्स नियर और बाय द साइड ऑफ कह सकते हैं, बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू के अतिरिक्त। जैसे एग्जांपल भी दिए हैं मैंने, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और अपने फादर के पास बैठ जाओ, ठीक है। तो बिसाइड क्या है, पास। जैसे द टेम्पल इज बिसाइड द रिवर, टेम्पल रिवर के पास है, बिसाइड द रिवर मीन्स टेम्पल रिवर के पास है, तो पास होता है बिसाइड या नियर, क्लियर। बिसाइड्स क्या है, बिसाइड्स बुक, एक बुक के अलावा, बुक के अतिरिक्त। यू हैव बॉट अ नोटबुक, आपने नोटबुक भी खरीदी है, आपने बुक तो खरीदी है, उसके साथ साथ उसके अलावा आपने नोटबुक भी खरीदी है, तो बुक के अतिरिक्त बिसाइड्स अब बुक होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवर। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को ओवर का यूज में। देखिए ओवर का ऊपर की स्थिति के लिए यूज करते हैं, ऊपर, ठीक है। इसका दो तरह से यूज होगा, एक तो ऊपर इन टच, जब टच हो, जब हम किसी के ऊपर है और टच में है उसको, यानी कि स्पर्श कर रहे हैं। जैसे जैसे बेड होता है, आपका बेड है, ठीक है, आप बेड के ऊपर एक शीट बिछा रहे हैं, तो वो शीट बिछाना, इसके ऊपर जो शीट बिछा रहे हैं वो ओवर है, मीन्स स्प्रेड द सीट ओवर द बेड, बेड के ऊपर सीट बिछा दीजिए, क्लियर हो गया। तो टच में है, यानी कि सीट जो है बेड को टच कर रही है, ऊपर है, टच में है, तो ओवर हो गया, ठीक है। चलिए इसके अलावा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड के लिए, ठीक है, ऊपर है, एक साइड से दूसरी साइड को जोड़ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी रिवर के ऊपर ब्रिज है, तो वो रिवर के ऊपर जो ब्रिज है वो रिवर के एक एंड से दूसरे एंड को मिला रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इन एक्सेस, अधिकता के लिए किसी चीज की। जैसे ही ओवरवर्क्स इन द फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में ओवरवर्क करता है, अत्यधिक वर्क करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, जरूरत से ज्यादा काम करता है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सेस के लिए भी हम ओवर यूज करते हैं। एक ही रह गया है मोर देन के अर्थ में, यानी अधिकता बताने के लिए। जैसे राम इज ओवर 30, यानी कि 30 इयर्स की एज को वो क्रॉस कर चुका है, पार कर चुका है राम, 30 से ऊपर हो गया है, तो मोर देन के लिए भी ओवर यूज करते हैं। आगे आता है आपका विद, चलिए विद और देख लेते हैं। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, किसी वेपन का यूज करते हैं, जैसे किसी वेपन से मार दिया आपने, ही वॉज किल्ड विद अ नाइफ, उसे चाकू से मार दिया गया, शी कट हर फिंगर विद ए नाइफ, उसने अपनी नाइफ से अपनी उंगली काट ली, ओके। तो इस तरह से जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, जैसे उसको बंदूक से मार दिया गया, उसने उसको तलवार से मार दिया, तो इन सभी वेपन्स से पहले विद यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे पेन होता है, हम पेन से लिखते हैं, तो पेन से पहले भी हम विद का ही यूज करेंगे प्रीपोजिशन, जैसे आई राइट विद ए पेन, क्लियर हो गया। देखिए जब कोई चीज हाथों से छू रही हो, जैसे ही इज फाइटिंग विद हिम, वो उसके साथ फाइट कर रहा है, ठीक है ना, वो उसके साथ लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, तो फाइट कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हम विद का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल मैंने लिखा इज राइटिंग विद ए पेन, यानी कि जब पेन से लिख रहे हैं, पेन का यूज कर रहे हैं, तो भी ऐसी कंडीशन में भी हम विद ही यूज करते हैं प्रीपोजिशन। तो स्टूडेंट्स मैंने प्रीपोजिशन को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है इस प्रीपोजिशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप, ठीक है, ताकि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकूं। तो इस तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए मैं इसके अलावा और प्रीपोजिशन की एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एडिशनल यूजेस होंगे प्रीपोजिशंस के। सो गाइस आप इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इंग्लिश बाई अनुज, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की इसके बाद एक नई वीडियो आने वाली है, आपको एडिशनल यूजेस होंगे उसमें, तो आपको जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप जो है सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, जिससे आपको नई वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी।
ओके गाइस, सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छे लगे तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और मुझे आप कमेंट भी करिए।